Welcome back after the break, viewers. So break pe jaane se pehle maine aapko bataya tha ki hum mukhtalif jo problems hain inko discuss karenge. Sabse pehle hum aate hain ki gharelu jhagde jo hote hain wo kyun hote hain aur inka hal kya hai, kyunki har koi pareshan hai ki hum ghar jaate hain. Depression ka itna zamana chal raha hai ki hame bahar bhi koi agar job pe problem hai, hame school mein problem hai, hame aate hue transport mein bhi problem hai, to humne ghar ja ke ladai ek bar zarur karni hai taki hame zehni sukoon hasil ho jaye ki humne apni bhadas kisi ke upar utar li hai. तो मुझे आप बताएं साद अख्तर साहब कि इसका क्या हल है और इसकी वजह क्या है. वजह तो कहीं भी हो सकती है, आते हम रेमेडी की तरफ. बाज़ लोग वैसे ही मिजाजन ही लड़ाकू होते हैं जी. तो वो उनकी तरफ छोड़ें, हम आते हैं खूबसूरत से हल की तरफ. देखिए, अगर तो आपका लड़ाई झगड़े दो किस्म के, घर के अंदर घर से बाहर. अगर घर से बाहर आपका झगड़ा होता है तो फौरी तौर पर या रऊफ हो या अल्लाह की तस्वीर पढ़ लें, या रऊफ हो या अल्लाह की तस्वीर पढ़ें, और ये किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं. अच्छा, ये गुस्सा जब किसी को आया हो तब पढ़नी है या आपका झगड़ा हो गया है तब पढ़नी है? आपका छोड़े, आपका तो हो रहा है तब भी उसके लिए अल्लाह ताला ने कुछ और अहकाम फरमाए. जगह बदल लें, पानी पी लें, दौड़ रहे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, इस तरह है. पानी पिए या जगह बदल लें, ये हदीस मुबारक में है. वो तो और चीज़ मौजूद है. साथ ये है कि अगर किसी का झगड़ा हो रहा है, आप सड़क से गुजर रहे, देखा किसी का झगड़ा हो रहा है, तो क्यों ना आप ऐसा अल्लाह का कलाम पढ़ें कि उनका लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो जाए और आपको जो अजर सवाब भी मिले. बिल्कुल, वो पढ़ें या रऊफ हो या अल्लाह, या रऊफ हो या अल्लाह की एक तस्बीह कर लें, कर लें, और इसका फायदा होगा. और अगर घरेलू झगड़ा होता है तो अगर खामन समझता है कि मेरी बीवी कसूरवार है तो वो 41 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लिया करे. अच्छा, मगरिब की नमाज के बाद. मगरिब की नमाज के बाद अगर किसी शोहर का लगता है कि उनकी बीवी जो है उसका कसूर है लड़ाई में, सूरह कौसर पढ़नी है 40 मरतबा. सारे जो खावंद हजरात है वो सुन लें कि अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी का ही कसूर है लड़ाई में तो आपने क्या पढ़ना है और आपकी जो मुश्किल है उसका मुतासर हो रहा है इस चीज से. और अगर बीवी समझिए कि मेरा खावंद गलत है, वही आगे झगड़ा करता है और वो मुतासर हो रही है, तो वो पढ़ लिया करे. अच्छा, अल्लाह का कलाम है नमाज मगरिब के बाद. अच्छा, ये ऐसे हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी को पढ़ना है, या औलाद में से भी कोई पढ़ सकता है कि वो सोचे नहीं मैं मतलब यू नो तू मैं लगे रहे, तो औलाद भी पढ़ सकती है? नहीं, औलाद नहीं, ये मियां बीवी में से दोनों किसी ने करना है. और अगर कोई खामंद ये समझता है या घर का सरबरा ये समझता है कि मैं सारा दिन मेहनत की थका हुआ घर आता हूँ और घर जब आता हूँ तो आगे जो है मुझे परेशानी वाली खबरें मिलती हैं, कभी मेरी औलाद आज गिर गई या बच्चा बीमार हो गया या बीवी का किसी के साथ झगड़ा हो गया, बीवी की वजह से उसे सुकून नहीं मिलता, तो सब सुने सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 पढ़े. सूरह फुरकान की आयत नंबर 74, उसका तर्जुमा पढ़े, उसकी तफसीर पढ़े, फिर उन इसकी अहमियत का अंदाजा होगा. फिर उसके बाद उसका मामूल बना लें, जब भी वो घर आएंगे उनको अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी. अच्छा, और कितनी बार पढ़नी है ये? विर्द है, जितना चाहे पढ़ लें. अच्छा, जितना चाहे पढ़ लें. इसके अलावा हमारी जो आसमा जी हैं उनका भी एक प्रॉब्लम है और वो बड़ी परेशान है उसके लिए. जी आसमा जी पूछे. मैंने इनसे पूछना था कि मेरे बालों में बलछड़ लग चुका है और मैंने बहुत जगह से इलाज करवाया है और बहुत से मेडिसिन भी खाए हैं. किसी ने कहा है कि लहसुन का पानी निकाल के वो भी लगाएं, मैं वो भी कर रही हूँ, फिर भी मुझे आराम नहीं आ रहा और वो जो बलछड़ है वो बढ़ती जा रही है. इसका अगर कोई आपके पास हल है तो आप मुझे बता सकते हैं? जरूर जरूर, बिल्कुल, गुड क्वेश्चन. इसका जवाब बालों के मसाइल का हल बताने जा रहे हैं व्यूअर्स हम आपको. इसके जो तस्वीर बता रहा हूँ ये बालों के मुतलका भी है और उन माओं के लिए जो मदर्स फील्ड में इन्वॉल्व हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो तस्वीर किया, इस किस्म के लोग वो तस्वीर किया करें, या मतीन हो या अल्लाह, या मतीन हो या अल्लाह, या मतीन हो या अल्लाह, 100 बार पढ़ने वाला खत दुरूद पाक के साथ, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब मर्जी पढ़ें, या मतीन हो या अल्लाह, इसके बहुत अच्छे नतज आते हैं अल्लाह के फजल से. आज एक ऐसी रूहानी टिप बतानी है जिसके लाहौर के रॉयल न्यूज़ के जो जो व्यूज सुने उनसे मेरी 10 बदस गुजारिश है कि वो आगे थपक फैलाएं. आपको पता है कि ट्रैफिक के मसले कितने शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, जगह जगह ट्रैफिक जैम है, हम परेशान रहते हैं. तो सब नोट कर लें, 7 मरतबा पढ़ें, या मुमीत हो या मुमीत हो या मुमीत हो, 7 दफा, 7 दफा पढ़ना है. अच्छा, एक दफा ये 7 दफा पढ़ने की एक अमल बनता है, इंशाल्लाह ट्रैफिक खुल जाएगी. नहीं खुलती तो दूसरी दफा पढ़ लें, तीसरी दफा पढ़ लें, अजर सवाब भी होगा, ट्रैफिक भी खुलेगी. अच्छा, जो ट्रैफिक ब्लॉक है वो भी खुल जाएगी. मैं कहता हूँ आज से आजमाएं, जहाँ जहाँ भी
जुमे की नशरियात, जुमे ये आपने मुझे अच्छा ये कोई और पढ़ सकता है? सब कुछ पढ़ सकते हैं। मेरे गेस्ट अक्सर मुझे फोन करके कहते हैं कि हम ट्रैफिक में फंस गए हैं और हम लेट हो रहे हैं, तो मैं इधर बैठ के वर्ड शुरू कर दूंगी। आपने नहीं करना, जो फंस गया उसने पढ़ना है। उसका देखें फायदा ये भी होगा ना कि वो खुद भी निकल आएंगे, साथ कोई एम्बुलेंस होगी, कोई दफ्तर जेल वो सब कुछ भी निकल, सबका फायदा हो जाएगा। जी हाँ, ये फैज़ आम है, इसको फैलाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे उतना फायदा होगा। मैं मुझे टाइम मिलता रहा यहाँ आने का तो मैं बड़ी बड़ी अच्छी चीजें गिफ्ट लेके आऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल, रोजमर्रा के बहुत से मसाइल हैं जिनका हल निकाला करेंगे हम इंशाल्लाह ताला साधक के साथ से मिलके। आपने बहुत सी प्रेडिक्शंस की आलमी सतह पे और उनमें से मतलब ज्यादातर इनफेक्ट सारी ही तकरीबन जो है वो परफेक्टली सच साबित हुई, तो आप आज हमारे प्लेटफॉर्म से क्या प्रेडिक्शन करेंगे आलमी सतह पे? 2015 की भी एग्जैक्ट हुई, 2016 की भी एग्जैक्ट हुई, 2017 अब स्टार्ट है, वक्त के साथ साथ ये भी इंशाल्लाह ट्रू होंगी। नंबर वन, हिलरी क्लिंटन जो अभी सबका सदर हैं जी, इनका कोई सीक्रेसी लीक आउट हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स जो है इनके लीक होंगे, तो इनकी पार्टी इनको फोर्स करेगी तुम पॉलिटिक्स छोड़ दो। अच्छा। या वो आज खुद पॉलिटिक्स हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी ये है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया ये अनकरीब इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा। और इसके साथ ये भी होगा कि इसके प्रेसिडेंट को आवाम उठा के बाहर फेंक जाएंगे, दोनों मुल्क जैसे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी होते थे। अच्छा। अब जर्मनी बन गया, ये दोनों खत्म हो गए, एक कोरिया बनेगा। ओके। इस तरह। और दूसरी जरा थ्रेटनिंग सी है, जरा हौसले से सुनने वाली है, दुनिया के किसी कोने में, नॉट इन पाकिस्तान। अच्छा। मैंने इसको भी चेक किया, दुनिया के किसी कोने में खुदा ना खासा कोई ऐसी बीमारी फैल सकती है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होगा और काफी हिलाते हो सकती है। ओहो, ये बात है, दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी कोई मर्ज का शिकार हो सकते हैं लोग। और खुशी की बात भी बता दूं, जी हाँ, इसी साल इंशाल्लाह ऐसे हालात पैदा होंगे जैसे हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं। जहाँ मैंने कुछ थ्रेटनिंग न्यूज भी दी है, एक अच्छी खबर भी है। अच्छा। वो ये है कि जैसे हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, मैं कहता हूँ कि उसके पास आया मोबाइल तो मेरे पास भी आए, उसने ये गाड़ी ली है तो मैं भी लूँ, चाहे उसके लिए क्रेडिट कार्ड सारा ही वॉश हो जाए, चाहे उसके लिए उधार लेना पड़ जाए, चाहे अपने को मसाइल में डाल दें, लोग ऐसा करते हैं। लेकिन इसी साल इंशाल्लाह ऐसी वेव आएगी कि जो लोग इस चीज़ को नागवार समझेंगे, छोड़ना शुरू कर देंगे, इससे अमन और सुकून आएगा, वालदैन भी पुरसकून हो जाएंगे और लोग भी पुरसकून महसूस हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आज इंशाल्लाह। अगर इजाजत हो तो एक बात करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, मैं ये बता रहा था कि बाज़ लोग बिला सोच समझे अदलिया के बारे में बात कर जाते हैं। मैं चूंकि एज एनालिस्ट कॉलमिस्ट भी हूँ तो मेरा उस पर भी थोड़ा सा मेरा हक है कि मैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपका पूरा हक है। देखिए, रिसेंटली एक बैरिस्टर हैं कादर बख्श, उन्होंने HEC हायर एजुकेशन के बारे में को रिट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, यूनिवर्सिटीज की रेटिंग के मुतलक। अच्छा। तो ऑनरेबल जस्टिस अथर मिनुल्ला, उन्होंने उस पर जजमेंट यानी फोर्थ तौर पे तो स्टे दे दिया। अच्छा, इस पे बहुत सारे इन्हें कन्फ्लिक्ट से बहुत सारे, वो यूनिवर्सिटी कहती थी मैं टॉप पे हूँ, दूसरी कहती थी मैं टॉप पे हूँ। तो HEC के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस किस्म की रेटिंग जारी कर सके, है ही नहीं है, लेकिन वो इलीगली जारी कर रहे थे। तो ये बैरिस्टर कादर बख्श, वो उन्होंने अपील उधर दायर की, ऑनरेबल जस्टिस अथर मिनुल्ला उन्होंने सुनी और फौरन स्टे दे दिया। अब उस पर तफसीली फैसला आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, और ये एम्बिग्युटीज जो हैं ये खत्म होंगी इंशाल्लाह ताला। और मैं वो थोड़ी देर पहले हमारे साथ अमजद साहब तशरीफ फरमाए थे औलाद के बारे में, तो देखें दीन के रगबत के लिए, दीन की तरफ रजू करना हो तो सब के लिए है, सब मेरे लिए नहीं है या सिर्फ एक के लिए नहीं है, सब के लिए। जो भी शख्स ये चाहता है कि उसका ध्यान दीन की तरफ हो, अल्लाह की कुर्ब इलाही उसे हासिल हो, तो वो सिर्फ एक तस्वीर रोजाना कर लिया करे, या कुद्दूस हो या अल्लाह, या कुद्दूस हो या अल्लाह, की तस्बीह कर ले जो भी चाहते हैं कि वो दीन की तरफ उनका रुझान ज्यादा हो। जैसे कि अदलिया की आपने बात की, तो अगर किसी का कोई जायज मुकदमा जो है कोर्ट में है और वो उसका जल्द अज जल्द जो फैसला चाहता है और जायज फैसला चाहता है कि वो अगर मजलूम है तो वो क्या पढ़े, उसके लिए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मजलूम होते हैं और वो झूठे केसेस में फंसे होते हैं और साल दर साल तारीख पे तारीख आती रहती है और वो उसी में फंसे रहते हैं बेचारे, उसके लिए वो एक तस्बीह किया करें, या मुहय्यो या अल्लाह, या मुहय्यो या अल्लाह, ये 100 बार पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और हो सके तो आपने जो काउंटर पार्ट मुखालिफ काउंसलर काउंसिल है, यानी आपके काउंसिल तो वकील अलग है,
مخالف وکیل جو ہے مخالف اس پہ بھی یا باسطو یا منم پڑھ دیں اگر آپ حق پر ہیں تو یا باسطو یا منم منم یا باسطو یا منم اس پہ بھی پڑھ دیں مخالف وکیل پہ تاکہ وہ آپ کے خلاف ناجائز نہ بولے اور یہ صرف اور صرف جائز کیسز کے لیے ہم بتا رہے ہیں اگر آپ کی جو خواہشات ہیں آپ کسی جینون جائز پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے اپنے ملائی بوٹی کی طرف کہ وہ کہاں تک پہنچی ہے دیکھتے ہیں آسما جی بتائیں ذرا کہاں تک پہنچی ہے ہماری ملائی بوٹی تیار ہو چکی ہے اچھا اروما جو ہے وہ پوری پھیل چکی ہوئی ہے ہاں جی اب ہم اپنے مہمانوں کو پھیلا سکتے ہیں اچھا ملائی بوٹی اپنے مقام تک پہنچ چکی ہے جس کا ہم سب کو بہت شدت سے انتظار تھا تو جی اچھا ان کی ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ بڑی گرینری ہوتی ہے جو بھی ڈش بناتی ہیں اس کے ارد گرد سیلڈ کے پتے پراپر سیلڈ ساتھ میں تو وہ ایک تو دیکھنے میں مزے کا اور کھانے میں تو مزے کا ہوتا ہے اور اس میں بہت ویلیو بھی ہوتی ہے یہ مجھے پسند بھی بہت زیادہ ہے گرینری بہت زیادہ مجھے پسند ہے اور اس لیے میں اس کو گھر میں بھی جب میں گاؤں میں ہوتی تھی نا تو میں چھت کے اوپر جا کے صبح صبح اپنی ہری بھری فصلیں اور کھیتوں کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی نماز کے بعد سب سے پہلے میں ان چیزوں کو دیکھتی تھی ہری ہری سی چیزیں مجھے بڑی خوبصورت لگتی تھی اور یہ مجھے اچھی بھی بہت لگتی ہیں میں نے گھر میں بھی بہت ساری لگائی ہوئی ہیں اور ماشاء اللہ ہمارے سیٹ میں بھی گرین کی بہت زیادہ ہے کچن بھی جو آسما کا ہے وہ کافی گرین ہے اس کے کیبنٹس اور ساری چیزیں گرین ہیں جیسے کہ آج بات ہو رہی ہے جمعہ کی اسپیشل ٹرانسمیشن کی تو جمعے کا روز ہے اور ہمیں جمعے کے روز کیا ایسی اسپیشل عبادت کرنی چاہیے ہنا بیٹی سب سے بہترین عبادت تو یہ ہے کہ درود پاک کو پڑھا جائے دیکھیں بہت ساری نیکیاں ہیں جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہمارا دایاں فرشتہ جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے اور کوئی خدا نہ خواستہ گناہ ہم بشر ہیں نا بشری تقاضے ہمارے ساتھ لگے ہیں غلطی کوتاہیاں تو ہونی ہیں جب غلطی ہوگی تو وہ بایاں فرشتہ ہمارے نام اعمال میں لکھے گا کہ یہ ہوگی لیکن درود پاک وہ واحد عبادت ہے چونکہ آپ کی حمد و ثنا تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے بالکل ہیں بالکل جب درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کے دائیں کندھے والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور بائیں کندھے والا وہ 10 گناہ کو ختم کر دیتا ہے اور آج کے دن باوضو ہو کر درود پاک پڑھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں ہمارے لیے بڑی بات ہے سبحان اللہ جی ہاں اور اس بارے میں پھر تفصیلی بات کروں گا کہ کون خوش قسمت آدمی اس حوالے سے کون کبھی میں یہ میرے میں حوصلہ ہوا تو یہ واقعہ سناؤں گا کہ جب بھی میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں میں گھر میں سناتا ہوں تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں اچھا اگر آن ایئر سناؤں تو پھر رونا شروع کر دوں گا تو کون مجھے چپ کرائے گا اتنا پیارا واقعہ اٹیچ ہے جی بہرحال اس کے دن درود پاک پڑھیں اور جیسے ہی کثرت سے درود پاک پڑھیں اور واضح طور پر یہ حکم ہے کہ جیسے ہی جمعے کی اذان ہو جائے کام چھوڑ دو یہ سیرت النبی میں بھی درج ہے کہ ایک دفعہ جمعے کی اذان ہو گئی تمام مسلمان مسجد نبی میں اکٹھے ہو گئے تو یمن سے ایک سوداگر آ گیا گندم بیچنے کے لیے اس وقت قحط کا چل رہا تھا تو دیکھا چند ایک اصحابہ اکرام کے سوا سب لوگ گندم خریدنے جا چکے تھے پھر اس کے بعد واضح احکامات وحی کے ذریعے نازل ہوئے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دنیا کے سارے کام چھوڑ دو اور یہ آزمودہ ہے مسجد کی طرف دوڑو مسجد کی طرف چلے بالکل اور یہ آزمودہ ہے جنہوں نے اس کی خاطر اپنا کاروبار چھوڑا ان کے کاروبار میں برکت بھی ہوئی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل اللہ تعالیٰ کو آپ پریفرنس دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈالیں گے اس میں جی ویورز آپ نے جانا کہ گھریلو مسائل کا حل آپ نے کیسے کرنا ہے بچوں کو دین کی طرف راغب کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ذہین ہونا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پوزیشن لے تو آپ نے کیسے وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے صرف تسبیح پڑھنی ہے ورد کرنا ہے اور آپ کی تمام مشکلات کا جو حل ہے وہ ہو جائے گا ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ مختصر تھا کافی مختصر ہو گیا اتنی مزے کی باتیں ہو رہی تھی اور ایسے ٹاپک کے اوپر چل نکلے تھے کہ ہر کوئی سننا چاہتا ہے ہر کوئی اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے ہر کوئی اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے لیکن جانے سے پہلے آپ کیا میسج دیں گے ہمارے ویورس کو میں سب سے ایک ہمبل سی گزارش کروں گا خدا را نیچر کی طرف لوٹ آئیں نیچر کی طرف لوٹ آئیں نیچرل فوڈ سٹف لیں پرزرو فوڈ سے بچیں جیسے یہ آسما بیٹی کا کھانا بنا رہی یہ کھائیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے بنا ہے جس کو آپ کھا سکتے ہیں بلا خوف و خطر کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو میں نے کہا نیچر کی طرف لوٹ آئیں اسی میں فلاح ہے اسی میں ہماری نسلیں بچیں گی اور نسلیں گروم بھی ہوں گی اس سے باہر جہاں کہیں بھی جائیں گے سب کچھ تباہی کی طرف ہے اس سے زیادہ میں بولوں گا تو کہیں سے کوئی تلوار میرے پہ آ جائے گی اس کے پیچھے بہت بڑی لاجک ہے اپنی صحت کو برقرار رکھنا ہے اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا ہے
तो नेचर की तरफ लौट आएँ, अल्लाह की तरफ। सादी गज़ा खाएँ, आलू की भुजिया खा लें, सादा सुथरा खाएँ, सलाद खाएँ, यही प्योर बेहतर और नेचुरल खाएँ, और लौट आएँ नेचर की तरफ, इसी में बस सर्वाइवल है। जी हाँ बिल्कुल, आपने जो भी खाना है प्योर एंड नेचुरल खाना है। हमारे डॉक्टर साहब ने भी कल आपको बताया था कि अगर आप बाहर से खाना खाएंगे तो आजकल काफ़ी इन्फेक्शन फैले हुए हैं, तो दवा से अच्छा है कि आप पहले ही प्रिकॉशंस कर लें ताकि आप बीमार हो ही ना। और आज हमें साथ डॉक्टर साहब ने भी यही बताया कि नेचर की तरफ फ्लोट आएँ। जी बिलाल बॉबी, आप क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मेरा ये मैसेज है कि जो इंसान ये समझता है कि मैं नाकाम हूँ इतनी मेहनत करने के बावजूद, मैं तो उसे यही कहूँगा कि वो अपनी माँ की इज्जत किया करें, उनकी खिदमत करे। और क्योंकि मैंने आजमा के देखा है कि जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे कामयाब करता है। बिल्कुल जी सर। मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, एक बहुत बड़े बास्केटबॉल के प्लेयर हैं माइकल जॉर्डन। जी माइकल जॉर्डन, जाएं उनकी बायोग्राफी पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि उन्हें हिम्मत नहीं हारी और माँ की दुआ लेते रहे और बाप की भी दुआ लेते रहे। बॉबी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल माँ बाप की इज्जत करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ दर्शक भी मौजूद हैं। जी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप व्यूअर्स को? मैं भी ये कहना चाहूंगी कि मैं इस मुकाम में पहुंची ये सब माँ बाप की दुआओं का ही है। सुभान अल्लाह। माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। बिल्कुल। और जरूरी यही है कि माँ बाप से मोहब्बत करें, सच्ची करें, माँ बाप की इज्जत करें, एहतराम करें उनका। गुस्से में कह देते हैं जो भी पेरेंट्स कह देते हैं, लेकिन कभी भी दिल से नहीं कहते, सिर्फ बच्चे को डराना होता है, इस्लाह के लिए वो डरा देते हैं, लेकिन उनका हरगिज मतलब नहीं होता कि वो दिल आजारी करें। जी आसमा जी भी कोई मैसेज देना चाह रही हैं, स्पेशल सा मैसेज है उनके पास कोई जो हमारे व्यूअर्स को उन्होंने देना है। जी व्यूअर जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब इंसान कोई भी कदम आगे रखता है तो सबसे पहले उनके घर वाले उनका साथ देते हैं, लेकिन कहीं ऐसा भी है कि उनके घर वाले साथ नहीं देते, बुरा भला कहते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई कदम उठा रहा होता है तो उसको कुछ नज़र आ रहा होता है, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ ऐसा आप कभी भी ना सोचें, हमेशा खुश रहें। बिल्कुल जी, हमेशा आपने खुश रहना है, और आपके मसाइल का काफ़ी हद तक हमने हल निकाल दिया, तो खुश रहने के बहुत से मौके आपको हमने और फराहम कर दिए, आपने बहुत कुछ जाना। आई होप आप इस पर अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार बनाएंगे। इसके अलावा आपने अपने औलाद की तरबियत कैसे करनी है ये भी हमने आपको बताया, आपने उनके लिए अमली नमूना बनना है। ये नहीं कि आप बस उनको कहते रहें, वो लेक्चर समझते रहें और उसको बस भूलते रहें, बल्कि आप उनको करके दिखाएं ताकि बच्चे जो भी देखते हैं वो अपने माँ बाप को देख के सीखते हैं, सुन के कभी नहीं सीखते, आपने उनको करके दिखाना है। हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म हुआ जा रहा है, मुझे दे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले दरख्शां से मैं दरख्वास्त करूँगी कि नाते रसूल मकबूल का नजराना पेश करें। जी दरख्शां जी ज़रूर। मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा दी छां।